हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक और इम्पोर्टेंट अरिथमेटिक के टॉपिक को, और वो है टाइम एंड वर्क। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी या रेलवे एग्जाम की, तो आप इस वीडियो को देखिए पूरा, देखिए एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस करेंगे, तो आपके पास हमारी सारी आने वाली वीडियोज का अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वर्क फ्रॉम डेज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यानी वर्क फ्रॉम डेज का क्या मतलब है? अगर आपको देखिए ये गिवन है, फॉर एग्जाम्पल, कि इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, यानी आपको ये पता है कि कोई एक पर्सन है ए, वो किसी एक पर्टिकुलर काम को करने में एन डेज का टाइम लेता है। ठीक है, यानी हमें डेज के बारे में पता है और हमें निकालना है कि उसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, यानी वो एक दिन में कितना वर्क परफॉर्म करता है। यानी हमें डेज पता है कि वो एक काम को पूरा कितने दिनों में कर रहा है, एन डेज में। तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करता है वो अगर आपको निकालना है, देन एज वन डे वर्क, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी वन बाय एन। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है, उसे काम दिया गया दीवार बनाने का। ठीक है, दीवार बनाना उसको एक काम दिया गया। ठीक है, तो ये एक वर्क है पर्टिकुलर, एक दीवार बनानी, और उसे पूरा बनाने में वो अकेला जो है एन डेज, यानी मैं अगर यहाँ पे एज्यूम कर लूं 5 दिन, ठीक है, तो उसे दीवार बनाने में 5 दिनों का टाइम लगता है। तो वो एक दिन में उस दीवार का कितना हिस्सा बनाएगा, तो वो अगर आपको निकालना है तो सिंपली हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 1/5। ठीक है ना, तो यानी उसका टोटल अगर हम बात करें, उसे 5 दिन लगते हैं उस पूरी दीवार को बनाने में, तो एक दिन में वो कितना काम या कितना हिस्सा कंप्लीट करेगा उस दीवार को बनाने का, तो बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल यानी 1/5। और बिल्कुल इसका देखिए रिवर्स भी ट्रू होता है, यानी अगर आपको डेज फ्रॉम वर्क निकालने हैं, अगर आपको ये गिवन है कि ए के एक दिन का वर्क की एफिशिएंसी हमें गिवन है 1/n। ठीक है, पिछले केस में क्या था, हमें टोटल वर्क गिवन था कि जो जो भी वर्क है उसे कंप्लीट करने में उसे एन डेज का टाइम लगता है, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करता है, वैसे यहाँ पे हमें एक दिन में ए जो है वो कितना वर्क कंप्लीट करता है वो तो हमें दे दिया गया 1/n, तो ओवरऑल उसे कितना टाइम लगेगा उस वर्क को फिनिश करने में, तो ये हो जाएगा एन डेज। ठीक है ना, तो इसका यानी जो रिवर्स है वो भी बिल्कुल ट्रू होगा। तो यानी अगर मैं यहीं पे देखिए एग्जांपल ले लूं कि एक पर्सन है, उसको दीवार जो है वो एक दिन में जो है 1/5 पोर्शन जो है वो दीवार का बनाता है, तो ओवरऑल कितने दिन में दीवार पूरी बन जाएगी, तो वैसी बात है इसका रिवर्स यानी 5 दिनों में। तो ये दोनों देखिए, वर्क फ्रॉम डेज निकालना और डेज फ्रॉम वर्क निकालना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर आपको ये पता है कि एक पूरी दीवार को बनाने में 5 दिनों का टाइम लगता है, तो एक दिन में उस दीवार का कितना हिस्सा बनेगा, 1/5। देखिए, अगर हम यहाँ पे टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में हमेशा हम यूनिफॉर्मली काम मान के चलते हैं, यानी वो हर रोज 1/5 पोर्शन ही कंप्लीट करेगा, और इसका देखिए बिल्कुल रिवर्स, यानी अगर वो एक दिन में एक पूरे काम का 1/5 पोर्शन कंप्लीट करता है, तो ओवरऑल उसे कितना टाइम लगेगा, तो 5 डेज लगेंगे। अब नेक्स्ट है, देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी की। ठीक है ना, कि इफ ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। ठीक है, अगर आपको ये गिवन है कि इफ ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, थ्राइस एज गुड का मतलब क्या है, यानी एक गिवन पर्टिकुलर टाइम में जितना काम बी करता है उसके 3 गुना काम कौन करता है, ए करता है। देखिए यही एफिशिएंसी का मतलब होता है। तभी आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, हम कहते हैं कि बहुत एफिशिएंटली प्राइवेट सेक्टर काम करता है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। तो एफिशिएंटली का मतलब यही होता है, यानी जो काम करने का जितना काम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, ठीक है, यही है कि अब ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, किसी की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है काम करने की। ठीक है ना, तो अगर ये कहा जाए कि ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, तो इसका मतलब क्या है, ए की जो एफिशिएंसी है किसी एक पर्टिकुलर काम को करने की वो 3 गुना है बी के कंपैरिजन में, यानी बी जितना काम करता है एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में उतना उसे 3 गुना टाइम काम जो है ए करता है उस गिवन टाइम के अंदर। तो यानी इसका मतलब क्या कह सकते हैं, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी कितना हो जाएगा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी क्या है 3 गुना है, तो रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी क्या हो जाएगा, 3:1। जबकि अगर आपको टाइम टेकन का अगर रेशियो निकालना है बाय ए एंड बी, तो वो बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा, 1:3। रिवर्स क्यों, देखिए जो जितना जल्दी काम खत्म करेगा उसे उतना ही कम टाइम लगेगा उस काम को फिनिश करने में, तो यानी वर्क डन और टाइम जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको पता होना चाहिए, वर्क डन और टाइम टेकन जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं इसी पर बेस्ड।
सो देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या गिवन है कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, ठीक है। तो ए किसी एक पर्टिकुलर काम को करने में 15 दिनों का टाइम लेता है, और उसी काम को करने में बी कितने दिनों का टाइम लेता है, 20 दिनों का, ठीक है ना। कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज। अब हमें कहा गया कि इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर वो देखिए दोनों मिलके इसी काम को 4 दिन एक साथ करते हैं, तो देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, ये हमें देखिए बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखिए वैसे इंडिविजुअली पहले हमें बता दिया गया कि ए को एक काम को करने में 15 दिन का टाइम लगता है और बी को उसी काम को करने में 20 दिनों का टाइम लगता है। अगर वो दोनों मिलके उस काम को करे 4 दिन, तो उसके बाद कितना वर्क बच जाएगा, ठीक है ना। 4 दिन दोनों ने मिलके काम किया, तो 4 दिन के बाद कितना वर्क बच जाएगा, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क रिमेनिंग होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो क्योंकि मैंने आपको जो बताया भी था कंसेप्ट, तो यहां से हम ए की 1 डे की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए को ओवरऑल काम करने में 15 दिनों का टाइम लगता है। तो ए के एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/15, ठीक है ना। जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर हमें ओवरऑल किसी पर्सन का गिवन हो कि उसे कोई वर्क करने में, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए को 15 दिन का टाइम लग रहा है, तो उसके एक दिन का वर्क कितना होगा, बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल यानी 1/15। तो वैसे यहाँ पे हम बी का निकाल लेंगे, 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/20। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें क्या कहा गया कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो हमें ए का भी इंडिविजुअली पता चल गया कि एक दिन में 1/15 पोर्शन काम करता है और बी 1/20, क्योंकि ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी का अगर हम 1 डे वर्क निकाले, तो 1/15 प्लस में 1/20 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/60, ठीक है ना। एलसीएम आ जाएगा 15 और 20 का, आप एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा और ऊपर आ गया 7। तो 7/60 क्या है हमारे पास, ए और बी दोनों को मिला दे तो एक दिन का काम है उनका, क्योंकि हमें देखिए कहा कितना गया, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया है। तो ए प्लस बी के 4 डे का वर्क कितना हो जाएगा, सिंपली से 4 से मल्टीप्लाई कर दे 7/60 को, तो आ जाएगा 7/15। तो ये क्या है, ए और बी का कंबाइंड 4 दिनों का वर्क, और हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, यानी कितना वर्क अभी भी बचा हुआ है। तो देखिए रिमेनिंग वर्क हम कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल वर्क मैं आपको बता दूं, टाइम एंड वर्क में जब भी आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करने जाएं, तो हम ओवरऑल जो वर्क होता है उसको हम 1 यूनिट मान के चलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ए जो एक वर्क कर रहा है जिससे उसे 15 दिनों का टाइम लगता है, तो वो एक 1 यूनिट वर्क हम मान के चलते हैं। वैसे ही जो बी काम कर रहा है 20 दिनों में, वो भी क्या है, एक 1 यूनिट वर्क है। तो जब भी आपको टाइम एंड वर्क में इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना पड़े, तो आप हमेशा टोटल वर्क को जो है 1 यूनिट मान के चले। तभी तो देखिए मेरे पास ए के 1 डे का वर्क आया 1/15, बी के 1 डे का वर्क आया 1/20, दोनों का कंबाइंड आ गया 7/60, ठीक है ना, एक दिन का, और 4 से मल्टीप्लाई करके 4 दिनों का आ गया। तो कितना रिमेनिंग वर्क है, तो देखिए टोटल वर्क जैसे मैंने बताया हम हमेशा 1 यूनिट मान के चलते हैं, तो 1 में से कितना हो चुका है, 7/15 हो चुका है, तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना बचा है, ये हमारे पास आ गया 8/15, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे कहा भी गया था निकालने को कि अगर दोनों मिलके काम करे 4 दिनों तक, तो फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, कितना वर्क बचा होगा उसके बाद भी। तो जैसे मैंने आपको बताया टोटल वर्क हम हमेशा 1 यूनिट मान के चलते हैं, तो उसमें से हमने ए और बी का कंबाइंड 4 दिनों का वर्क को माइनस कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क आ गया फ्रैक्शन के टर्म्स में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब यहां पे देखिए मैं कहा गया कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। तो देखिए इंडिविजुअली हमें दिया गया कि ए को किसी पर्टिकुलर काम को करने में 20 दिनों का टाइम लगता है, बी को उसी काम को करने में 30 दिनों का टाइम लगता है, और सी को लगता है 60 दिनों का टाइम। इसका मतलब देखिए ये चीज तो साफ है कि ए की स्पीड ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, तभी तो देखिए वो एक काम को 20 दिनों में कर पा रहा है, जबकि उसी काम को करने में बी को 30 दिनों का टाइम लग रहा है और सी को 60 डेज का। तो इसका मतलब ए की स्पीड जो है वो बी और सी से ज्यादा है, और बी की जो स्पीड है वो सी से ज्यादा है, तभी देखिए वो कम टाइम में कर पा रहे हैं वर्क फिनिश। तो अब हमें कहा गया कि हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। यानी इसका मतलब देखिए क्या है, एक तो हमें निकालना है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क, ए कितने दिनों में काम को खत्म कर देगा अगर बी और सी उसकी हेल्प करे ऑन एवरी थर्ड, यानी हर तीसरे दिन जो है बी और सी उसकी हेल्प करे। इसका मतलब जैसे पहले और दूसरे दिन ए अकेला काम करेगा और तीसरे दिन उसकी हेल्प बी और सी भी करेंगे, फिर अगेन चौथे और पांचवें दिन जो है ए अकेला काम करेगा और छठे दिन फिर से बी और सी उसकी हेल्प करेंगे, वैसे ही सातवें और आठवें दिन ए अगेन इंडिविजुअली काम करेगा और नौवें दिन बी और सी काम उसका हेल्प करेंगे। तो हमें बताना इस तरीके से कितने दिनों में जो है ये पूरा वर्क फिनिश हो पाएगा। देखिए सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बताया कि
पहले 2 दिन जो है वो ए अकेला काम करेगा। तो हमें सबसे पहले तो देखिए ये तो पता ही है, क्योंकि ए को ओवरऑल कितना टाइम लगता है, अगर वो इंडिविजुअली काम करे तो 20 दिन होगा, तो यानी उसकी 1 डे वर्क की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/20। लेकिन ए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 2 दिन खुद अकेला काम कर रहा है, तो इसलिए हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए के 2 डे का वर्क आ जाएगा 1/10। क्लियर है? तो ये मेरे पास आ गए ए के 2 दिनों का काम 1/10। अब देखिए तीसरे दिन क्या है, उसकी हेल्प सी बी और सी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले 2 दिन ए ने अकेला काम किया कितना 1/10, और तीसरे दिन ने ए को किसने हेल्प किया, बी और सी ने भी। तो तीसरे दिन का 1 दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/20, में आप 1/30 और 1/60 को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/60 यानी 1/10। क्लियर है? तो इस तरीके से मेरे को पास पहले 2 दिनों का ए का वर्क आ गया 1/10, और तीसरे दिन जब उसकी बी और सी ने भी हेल्प की तो कितना है 1/10। तो तीनों का देखिए अगर हम कंबाइंड कर दें वर्क डन इन 3 डेज, पहले 2 दिनों का मेरे पास कितना है 1/10 है, और तीसरे दिन जब बी और सी ने भी उसकी हेल्प की तो भी कितना है 1/10। तो अगर आप इनको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ गया 1/5 आ गया। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है वर्क डन इन 3 डेज। तो देखिए अगर वर्क डन इन 3 डेज है 1/5, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा वर्क कितने दिनों में होगा, क्योंकि देखिए 1/5 वर्क 3 दिनों में हो रहा है, तो पूरा वर्क कितने दिनों में होगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 दिन, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एक 1/5 पोर्शन अगर 3 दिनों में हो रहा है तो पूरा वर्क ऑब्वियस सी बात है 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दिनों में होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहले और दूसरे दिन ए ने अकेला काम किया और तीसरे दिन उसकी हेल्प बी और सी ने की, वैसे चौथे और पांचवें दिन ए ने अकेला काम किया और छठे दिन बी और सी ने भी उसकी हेल्प की। तो इस तरीके से बेसिकली देखिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा आपको इंट्रो है इस इन वीडियोस के थ्रू हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी हमारे प्रीलिम्स के टॉपिक्स है जो आप बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं जिसमें से क्वेश्चंस, तो अब तक हमने देखिए पहले भी कई सारे वीडियोस ला चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे वो लेक्चर तो आप जाके वीडियोज में देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे, तो आपके पास हमारी सारी आने वाली वीडियोज का भी अपडेट आपको लगातार मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।